मनुष्य के जीवन काल में एक ना एक बार ये सवाल जरूर उठता है कि क्या सचमुच इस जीवित शरीर से भगवान के दर्शन संभव है। इस प्रश्न का उत्तर संत महात्माओं ने बड़े ही सुंदर ढंग से दिया है। संतों ने कहा है कि दुख भोगना हो तो नरकों में जाओ, सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, परंतु इन दोनों से ऊंचा उठकर असली तत्व परम तत्व को प्राप्त करना है तो मनुष्य शरीर में आओ। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी ललचाते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर से ही संभव है। बस करना केवल इतना ही है कि इसके लिए तीव्रतम अभिलाषा अपने मन में जगानी होगी। इससे ही उस परम तत्व का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह मौजूद है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, जो भक्त मुझे जैसा भजता है मैं भी उसे वैसा ही भजता हूँ। सतयुग में ध्रुव, प्रहलाद आदि अनेकों भक्तों ने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं, और वो भी मनुष्य शरीर में रहकर। किंतु ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य शरीर में रहकर ईश्वर के दर्शन कर पाना संभव नहीं होता, परंतु कलयुग में भी अनेकों भक्तों को भगवान के दर्शन हुए हैं। उनमें से एक है वैष्णवों के शिरोमणि नरसिंह मेहता। यह बात ज्यादा पुरानी ना होकर 16वीं शताब्दी की है। 16वीं शताब्दी में गुजरात में भक्ति को नई प्रेरणा देने वाले नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ में नागर ब्राह्मण कुल में हुआ। बाल्यावस्था में पिता की मृत्यु होने पर बालक नरसिंह साधुओं की संगति में रहने लगे। कृष्ण भक्ति में लीन रहकर धीरे धीरे उनका समय भजन कीर्तन में व्यतीत होने लगा। वे कृष्ण को प्रेमी मानकर गोपियों की तरह नाचने गाने लगे। यह बात उनके परिवार वालों को पसंद नहीं थी। नरसिंह की भाभी बहुत कठोर स्वभाव की थी। नरसिंह कोई काम नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें उनकी बातें सुनकर अपमान का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। एक दिन उनकी भाभी ने बातों बातों में उन्हें ताना मारकर कहा, ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू का काम किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जिस पर भी मैं कृपा करता हूँ धीरे धीरे उसका समस्त धन हर लेता हूँ तथा उसके बंधु बांधवों से वियोग करा देता हूँ, जिससे वह दुख पूर्वक जीवन धारण करता है। अपनी भाभी की इस ताने को सुनकर वो घर से उसी क्षण निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ ही दूर में श्री महादेव जी की पुराने मंदिर में जाकर वहां श्री शंकर की उपासना करने लगे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में ले जाकर गोपियों की रासलीला का अद्भुत दृश्य दिखाया। वे गोलोक की लीला को देखकर मुग्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह को भक्ति रस का पान कराया और उन्हें आज्ञा दी, अब तुम यहाँ से जाओ और जैसी रासलीला तुमने देखी है उसका गान करते हुए संसार के नर नारियों को भक्ति रस का पान कराओ। भगवान ने कीर्तन करने के लिए नरसिंह जी को करताल प्रदान की। तपस्या पूरी करके वे घर लौट आए और अपने बाल बच्चों के साथ अलग रहने लगे, परंतु केवल भजन कीर्तन में लगे रहने के कारण बड़े कष्ट के साथ उनकी गृहस्थी का काम चलता। स्त्री ने कोई काम करने के लिए उन्हें बहुत कहा, परंतु नरसिंह जी ने कोई दूसरा काम करना पसंद नहीं किया। उनका मानना था कि श्री कृष्ण मेरे सारे दुखों को और अभावों को अपने आप ही दूर करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि नरसिंह जी के सारे काम स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर पूरे किए हैं। उनकी पुत्री के विवाह में जितने रुपए और अन्य सामग्रियों की जरूरत पड़ी सब भगवान ने उनके यहाँ पहुँचाई और स्वयं मंडप में उपस्थित होकर सारे कार्य संपन्न किए। इस तरह पुत्र का विवाह भी भागवत कृपा से संपन्न हुआ। कहते हैं कि एक बार जूनागढ़ के राव ने उन्हें बुलाकर कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मंदिर में जाकर मूर्ति के गले में फूलों का हार पहनाओ और फिर भगवान की मूर्ति से प्रार्थना करो कि वे स्वयं तुम्हारे पास आकर वह माला तुम्हारे गले में डाल दे, अन्यथा तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। नरसिंह जी ने रात भर मंदिर में बैठकर भगवान का गुणगान किया। दूसरे दिन सुबह सबके सामने मूर्ति ने अपने स्थान से उठकर नरसिंह जी को माला पहना दी। नरसिंह जी की भक्ति का प्रकाश सर्वत्र फैल गया, पर कहते हैं कि इस पाप से राव का राज्य नष्ट हो गया। जिस भाभी के कठोर वचनों के कारण
उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा था उन्हें भी उन्होंने अपना गुरु माना। नरसी ने कहा कि उन्हीं की वजह से उन्हें भगवान के दर्शन हुए, इसीलिए उनके उपकार को मैं कैसे भूलूं। उन्होंने अपनी भाभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक गाने की रचना की जिसका आशय था, तुमने मुझे जो कटु शब्द कहे उनके कारण ही मैंने गोलोक में गोपीनाथ का नृत्य देखा और धरती के भगवान ने मेरा आलिंगन किया, भगवान श्री कृष्ण से मेरा जीवित संपर्क हो गया। किसी ने क्या खूब कहा है कि अजीज भी तू है, मेरा नसीब भी तू है, दुनिया की भीड़ में मेरे सबसे करीब भी तू है। इस भाव के साथ जो कोई भी मनुष्य उस परम तत्व को याद करता है तो वो स्वयं अपने भक्त के पास आने के लिए बाध्य है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्द ही मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।